हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए मेरे साथ कैंपिंग करने के लिए सैंड बैंक्स। बहुत ही सुंदर जगह है। इट्स अ वेरी सीनिक प्लेस। 3 बीच है वहाँ। इट्स वन ऑफ द फेमस प्लेस फॉर कैंपिंग इन ओंटारियो। सैंड बैंक्स हम पहुँच चुके हैं। लगभग 3 घंटे का रास्ता है हमारे प्लेस से। ये कैंपिंग एरिया का एंट्रेंस है। पहले हम ऑफिस में जाके चेक इन करेंगे। अब हम जा रहे हैं हमारे कैंपिंग साइट के तरफ। सैंड बैंक बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ के बीचेस बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ सैंड ड्यून्स भी है। अभी हमारा कैंपिंग साइट आ गया है। आप देख सकते हो ये हमारा कैंपिंग साइट है। हर कैंपिंग साइट में एक फायर पिट और पिकनिक टेबल रहता है और यहाँ 2 टेंट डालने की जगह है। सबसे पहले हम हमारा टेंट बना रहे हैं। टेंट बनाना बहुत ही इजी है। टेंट के बॉक्स में सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली लिखे हुए हैं। एक कैंपिंग साइट में मैक्सिमम ओनली 6 पीपल रह सकते हैं। ये हमारा कैंपिंग साइट है। यहाँ आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक आउटलेट है। पानी के लिए यहाँ सामने ही टैप है। आप यहाँ से पानी भर के लेके जा सकते हो। वॉशरूम्स भी यहाँ क्लीन और पास है। रात को बारिश होने वाली है, इसलिए हम टेंट के ऊपर टार्पोलिन डाल रहे हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो रात की बारिश से। टार्प को हम टेंट पेग से अच्छे से सिक्योर कर लिया है ताकि अभी बारिश या हवा भी आए तो टार्प नहीं उड़ेगा। पिकनिक टेबल के ऊपर हमने सारा खाने का सामान अरेंज कर लिया है। अभी शाम की चाय बन रही है। प्रोपेन गैस स्टोव कैंपिंग के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है, सो दिस इज अ मस्ट फॉर कैंपिंग। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय रेडी है। अभी हम कैंप फायर के लिए रेडी कर रहे हैं। ये फायर पिट बहुत ही यूजफुल है। जब रात होती है थोड़ा सा ठंडा रहता है और मच्छर के लिए भी ये फायर पिट बहुत ही यूजफुल है। ये लकड़ियाँ हमें मेन ऑफिस में जब हम चेक इन करते हैं वहाँ मिल जाती है। अब हमें वहीं से लेना पड़ेगा लकड़ियाँ। बाहर से लेके आना अलाउड नहीं है। अब हम बेडिंग तैयार कर रहे हैं। ये एयर बेड है। ये हाथ से ही ऐसा आप प्रेस करोगे तो फूल जाएगा। बेडिंग हमारा रेडी है। एयर बेड के ऊपर एक बेडशीट डाला है और कंफर्टर लिया है हमने। रात को यहाँ ठंडा रहता है तो कंफर्टर बहुत ही ज़रूरी है। अभी डिनर टाइम हो गया है। हम स्टार्टर के लिए खा रहे हैं साल्सा चिप्स, कॉर्न, चिकन नगेट्स। बच्चे मार्शमेलोज रोस्ट कर रहे हैं फायर पिट में। बर्गर भी हमारा रेडी है। वन ऑफ द बेस्ट टाइम इन कैंपिंग इज एंजॉयिंग द कैंप फायर। टेंट के अंदर एक लैंटर्न लगा है क्योंकि यहाँ रात को पिच डार्क रहता है। सुबह ब्रेकफास्ट होने के बाद हम जा रहे हैं सैंड ड्यून्स बीच। सैंड ड्यून्स बीच बहुत ही सुंदर है। पानी भी क्लीन है। वेदर भी बहुत अच्छा था। यहाँ का पानी बहुत ही साफ है और टेम्परेचर पानी का भी इतना ठंडा नहीं है। अब हम जा रहे हैं सैंड ड्यून्स देखने। सैंड ड्यून्स सैंड के हिल की तरह रहते हैं। अब हम सैंड ड्यून्स के ऊपर है। यहाँ से बीच सुंदर दिखता है।
सैंड ड्यून्स के ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल भी है क्योंकि सैंड बहुत ही फाइन है, इसलिए मेरी बेटी ऐसे चढ़ रही है। सैंड ड्यून्स के ऊपर से रोल होके नीचे आना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें बहुत ही मजा आया उसमें। हम वापस कैंप साइट पे आ गए हैं लंच करने के लिए। खाने का हमने सिंपल रखा है ताकि हमें ज्यादा काम ना हो वहाँ करने के लिए। अभी सम प्ले टाइम विद द किड्स। अभी रात के खाने की तैयारी हो रही है, हम बनाएंगे सिंपल मैगी। 1 of the best time in camping is enjoying the campfire। खाना खाने के बाद सारे फूड आइटम्स को हमने कार के अंदर रखा है फॉर द सेफर साइड। ब्रेकफास्ट होने के बाद हम कैंपिंग साइट को क्लियर कर रहे हैं, सब रैप अप कर रहे हैं क्योंकि हमें 2 बजे के अंदर कैंपिंग साइट को खाली करना है। चेकआउट करते समय हमें कैंपिंग एरिया को क्लीन करना है, जो भी ट्रैश है वो ट्रैश एरिया में हमें फेंकना है। कैंपिंग साइट को हम पूरी तरह से क्लीन कर दिया है, अब हम चल रहे हैं वापस घर।